हेलो एवरीवन, आज की लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। रात के 2 बज रहे हैं। इससे पहले मैंने लाइव क्लास शुरू करी थी लेकिन मुझे बंद करना पड़ गया, क्योंकि लाइव क्लास में एक यही बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर आपको कुछ काम पड़ जाता है, कुछ भूल चूक हो जाती है तो आपको पूरी वीडियो रोकना पड़ जाता है। इसमें पॉज होने का कोई सिस्टम नहीं मिलता है, तो इसलिए पूरी वीडियो को बंद करना पड़ता है। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड, यानी सिविल कोड जो है वो किस तरीके से स्टेप में बढ़ती है, यानी किस तरीके से मुकदमा दायर होने से लेके जजमेंट जो आता है, डिग्री आती है, उस तक जो है सिविल कोड की पूरी प्रक्रिया को आज हम लोग समझेंगे। इससे पहले हमने एक वो वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बात किया था कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर करने का। इससे पहले हम उस वीडियो को बना चुके हैं कि जैसे पूरा एक एक तरीका हमने उसके अंदर बताया था कि आप प्लेन बनाते हैं, प्लेन को ले जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसमें एक नंबर मिलता है, हमने सिर्फ उसके ऊपर बात किया था। लेकिन आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सिविल कोर्ट जो होता है, यानी सिविल न्यायालय जो है, वो किस स्टेप में काम करता है, किसके बाद कौन सा स्टेप आता है, ताकि आप ये समझ सकें किस ऑर्डर किस सेक्शन का कब इस्तेमाल होता है कोर्ट में। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए कोर्ट के अंदर मुकदमा कब दायर होता है, कब शुरू होता है, कब हम लोग कहेंगे कि जो है सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है, जब कोर्ट के अंदर हम लोग प्लेंट को प्रेजेंट करते हैं, यानी जब हम जो वाद पत्र है उसको न्यायालय में दाखिल करते हैं तो वहां से मुकदमा शुरू होता है। अब देखिए सबसे पहला हम लोग जब प्लेंट को प्रेजेंट करने जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो उससे पहले क्या क्या चीज ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या वो सीमा के अंदर है, क्या वो लिमिटेशन के अंदर है, जो उसके लिए उस वाद के लिए उस सूट के लिए लिमिटेशन बताया गया, उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, लिमिटेशन एक्ट देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हमें किस कोर्ट में जाना है, तो उसके लिए सेक्शन 15 से लेके 20 के अंदर सीपीसी में बताया गया है कि किस चीज़ का आपका मामला है, उससे जुड़े हुए मामले के लिए आप देखेंगे कि आप किस कोर्ट में जाएंगे, दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़, अब प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के जो सेक्शन और ऑर्डर है वो हमें मिलता है सेक्शन 26 के अंदर, ऑर्डर 4 के अंदर, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के अंदर, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बताया गया, यानी जब आप प्लेंट को प्रेजेंट करेंगे इसका क्या प्रोसीजर होगा, आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर इन सारे सेक्शन और ऑर्डर के अंदर बताया गया। ऑर्डर 6 के अंदर बताया गया है कि एज अ प्लीडिंग्स यानी कि जो प्लेंट होगी हमारी, प्लीडिंग्स का मतलब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ये क्या चीज़ होगी, मतलब आप इसके अंदर क्या चीज़ कोट करेंगे, लॉ लिखेंगे, एविडेंस लिखेंगे, फैक्ट्स बताएंगे, क्या बताएंगे, ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। उसके बाद ऑर्डर 7 के अंदर प्लेंट के बारे में, यानी जो हमारा वाद पत्र होगा जो आप मुकदमा दायर करने के लिए प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के अंदर, उसके अंदर क्या लिखा होगा, जैसे लिखा रहता है उसके अंदर जो कोर्ट होता है उसका नाम, पार्टीज का नाम, उसका सूट नंबर होता है, फिर आप अपने फैक्ट्स लिखते हैं सारे जो जो आपके मामले हुए, ये चीज़ बताई गई है ऑर्डर 7 के अंदर। तो हमें ये चीज़ पता चल गया सबसे पहला स्टेप क्या है कोर्ट के प्रक्रिया की, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के अंदर यानी वाद पत्र को न्यायालय के अंदर दाखिल करना, उसके अंदर उससे जुड़े हुए हम लोगों ने ऑर्डर और सेक्शन को देख लिया। अब दूसरा स्टेप आता है, वो आता है कंसिडरेशन ऑफ प्लेंट बाय कोर्ट। भाई आपने कोर्ट के अंदर तो जाके प्लेंट को प्रेजेंट कर दिया, अब हो सकता है कि आपकी प्लेंट बहुत वजह से बाढ़ हो, भाई बहुत वजह से बार भी तो हो सकती है, बार किस वजह से हो सकता है कि उसके ऊपर रेस जुडिकाटा लग रहा हो, रेस जुडिकाटा मतलब कि वो मामला ऑलरेडी किसी कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो चुका हो, उसमें ऑलरेडी कोई डिक्री या जजमेंट आया हुआ हो, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जो मामला चल रहा है वो किसी और वजह से बार हो। किसी और वजह से बार होने का मतलब कि मान लीजिए कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बन रहा है, कोई मामला ही नहीं बन रहा, भाई हमें लग रहा है कि कोई मामला बन रहा है लेकिन कोर्ट की नज़र में कोई मामला ही नहीं, कोई ग्राउंड ही नहीं है, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप जो है जो टाइम बताया गया है, जो टाइम लिमिट बताई गई है, आप उससे आगे बढ़ गए हो, आपको लग रहा हो कि नहीं बढ़े हो लेकिन कोर्ट ने जब उसको एनालाइज किया तो कोर्ट को लगा कि आप तो लिमिटेशन टाइम पीरियड के आगे निकल चुके हैं। तो कोर्ट इन सारी चीज़ों को कंसिडर करेगा, अगर उसको लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोर्ट आपके उस प्लेंट को एडमिट कर लेगा। जैसी प्लेंट एडमिट हो गई, आपने प्रेजेंट किया, आप वहां से मान लीजिए कि मुकदमा शुरू हो चुका है अब आपका। अब इसके बाद अब मान लीजिए कि कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया, अब उसको एडमिट करने के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या उठाएगी कोर्ट, तीसरा स्टेप है इशू ऑफ समन्स। अब कोर्ट क्या करेगी, अब कोर्ट जो है जो प्रतिवादी होगा डिफेंडेंट को सम्मन भेजेगी। ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, सम्मन के जो प्रोविजन है आपको मिलेंगे सेक्शन 27 के अंदर, सेक्शन 27 सीपीसी के अंदर, और ऑर्डर 5 के अंदर बहुत डिटेल में प्रोविजन बताया गया है डिफेंडेंट को सम्मन भेजने का। अब जब हम एज अ वादी प्लेंट प्लेंटिव जो है अपनी प्लेंट दाखिल कर देता है,
तो उसके बाद बताया गया है इसके अंदर कि जो प्रतिवादी होता है, डिफेंडेंट होता है, उसको 30 दिन या कोर्ट अगर टाइम बढ़ा दे तो 90 दिन के अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट यानी जवाब लगाना होता है। रिटर्न स्टेटमेंट का प्रोविजन कहाँ मिलता है? ऑर्डर 8 के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट का लगाना यानी जो प्रतिवादी है वो उसका जवाब देता है। अब लेकिन मान लीजिए कि जब समन भेजा गया डिफेंडेंट के पास, तो यहाँ पे बहुत सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए उसके पास समन भेजा गया, समन नहीं पहुँचा। मान लीजिए उसके पास समन भेजा गया, वो हाजिर नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो जैसे एक ग्राउंड हम लोग लेके चलते हैं कि डिफेंडेंट डज नॉट अपियर। अगर मान लीजिए कि समन पूरी तरीके से सर्व हो चुका है लेकिन जो प्रतिवादी है वो कोर्ट के अंदर नहीं आया, तब क्या होगा? तो वहां पे कोर्ट जो है एक्स पार्टी कार्रवाई कर सकती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, प्रतिवादी के अगेंस्ट। यानी एक पक्षीय कार्रवाई कर सकती है। भाई उसको समन भेजा गया नहीं आया और ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि समन उस तक पहुंच चुका है, उसके बाद नहीं आया, तो एक पक्षीय कार्रवाई हो सकती है। और जब आप पढ़ेंगे ऑर्डर 8 रूल 10 में बताया गया है कि अगर प्रतिवादी जो है उसको जो टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर अगर वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल करता है डिफेंडेंट, तो कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। मतलब कि वो नहीं अपियर हुआ तो उसके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। अब मान लीजिए कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट, यहां पे ये कौन सा केस हम पढ़ रहे हैं? ये वो केस पढ़ रहे हैं जिसमें डिफेंडेंट जो है अपियर नहीं हुआ समन भेजने के बाद। तो अब मान लीजिए कि उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट एक्स पार्टी कार्रवाई कर देती है, तो अब यहाँ पे डिफेंडेंट के पास कई रास्ते खुले हैं। वो अपील कर सकता है, इसकी रिव्यू कर सकता है, इसके सेट असाइड करवाने के लिए, यानी ये जो एक्स पार्टी उसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है इसको हटवाने के लिए, सेट असाइड करवाने के लिए, भाई उसमें एक्नॉलेजमेंट ड्यू होता है, बहुत तरीके से सम्मन प्रूफ हो जाता है। जो सर्व करने आता है वो एक्नॉलेजमेंट करवाता है, साइन करवाता है, और उसके बाद हमने सम्मन के ऊपर पूरा बताया है एक प्रोसीजर कि अगर नहीं मिलता है डिफेंडेंट तो उसके केस में किसी और के घर में दे सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर वो चिपका देता है घर के बाहर, तो बहुत सा उसका तरीका है। तो खैर हम लोग पहले इसको देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक पक्षीय कार्रवाई होगी डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो फिर वो क्या करेगा? तब वो ऑर्डर 9 रूल 13 में उसको सेट असाइड करवाने के लिए कोर्ट में अप्लाई करेगा। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब यहां पे एक चीज और भी आती है। अब यहां पास इस स्टेप के बाद एक स्टेप और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। वो स्टेप क्या होता है? इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स का। यानी मान लीजिए कि अब भाई आपने कोर्ट में जाके किसी बात का मुकदमा दायर किया, मुकदमा दायर करने की वजह है कि वहाँ पे आपको अर्जेंट जो है रिलीफ मिलना चाहिए। अर्जेंट रिलीफ की भाई आपकी ज़मीन में हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, कोई निर्माण कर रहा हो सकता है कि किसी तरीके से आपको न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो उस केस में जो है हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो हो जिसकी संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला आपने मुकदमा दायर किया है वो अपनी संपत्ति बेच के बाहर भागने के चक्कर में लगा हो, ये भी तो हो सकता है। तो उस जगह पे इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स आ जाती है, यानी ऑर्डर 38, ऑर्डर 39, ऑर्डर 40, जहाँ पे कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है, जहाँ पे अरेस्ट बिफोर जजमेंट हो सकता है, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट हो सकता है, इंजंक्शन दे सकता है कोर्ट, रोक सकता है कोई पार्टी, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है उसको रोक सकता है। तो यहाँ पे इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स भी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, डिपेंड करता है किस तरीके का केस है। अब मान लीजिए कि डिफेंडेंट अपियर हुआ, अब एक केस हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें वो नहीं आता है, अब अगर आ जाता है तो अब उसके लिए क्या है कि उसको 30 दिन के अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है, जवाब देना है, उत्तर देना है। उसको कोर्ट जो है खींच के 90 दिन भी कर सकती है। तो अगर वो नहीं फाइल करता है रिटर्न स्टेटमेंट तो समझ लीजिए तब भी उसके अगेंस्ट कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। कहाँ लिखा है? ऑर्डर 8 रूल 10 के अंदर। अब हम लोग आते हैं पांचवें स्टेप क्या है? प्लेंटिफ कैन रिप्लाई। अब मान लीजिए कि उसने रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया डिफेंडेंट का, अब उसके बाद जो प्लेंटिफ है और ये जो आपके डिफेंडेंट हैं ये लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे, अपने अपने एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे। इस स्टेज को कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय पार्टीज। ये लोग अपने अपने, अभी तो उन लोगों ने प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट लगाया था। अगर किसी को जलन हो तो क्या जलन होने का मुकदमा हो सकता है? जलन होने का कोई मुकदमा नहीं हो सकता है जब तक आपकी कोई लीगल राइट का वॉयलेशन ना करे वो आदमी जो जलता है आपसे। तो ये पांचवा स्टेप है, प्लेंटिव और जो डिफेंडेंट होते हैं ये लोग डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। फिर इसके बाद आता है स्टेप 6। छठा स्टेप क्या होता है? छठा स्टेप है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट।
कोर्ट क्या करती है, पार्टीज़ को एग्जामिन करती है, उनको देखती है, उनको सुनती है, उनसे ये पूछती है कि भाई जो सामने वाली पार्टी जो है, जो चीज़ फैक्ट उसने लिखा है, क्या इस बात को तुम एक्सेप्ट करते हो या तुम डिनाई करते हो। तो उन दोनों को मतलब एग्जामिन करके कोर्ट जो है ये एसरटेन करता है कि क्या मामला है इन लोगों के बीच में। तो ये आपके कहाँ से गवर्न होता है, ये आपके ऑर्डर 10 से गवर्न होता है, ये चीज़ आपके ऑर्डर 10 से गवर्न होता है। और इस स्टेज को ये भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हियरिंग, इसको फर्स्ट हियरिंग भी बोला जाता है। और इस स्टेज के ही बाद, इस स्टेज के ही बाद कोर्ट चाहे तो आपको डायरेक्ट कर सकती है आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन और मीडिएशन के लिए, जो सेक्शन 89 सीपीसी के अंदर बताया गया है। इसी स्टेज के जस्ट बाद कोर्ट ऐसा कर सकती है। अब इसके बाद ऑर्डर 11 का रोल आ जाता है, ऑर्डर 12 का रोल आ जाता है। ऑर्डर 11 यानी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर 12 एडमिशन यानी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को नोटिस कर सकती है कि तुम फला फला कागजात को एक्सेप्ट कर लो, एडमिट कर लो। एडमिशन कर लेने से बहुत सारा काम आसान हो जाता है कोर्ट का, भाई जो जो चीज़ें हमने, अगर हम और आप किसी मुकदमे में हैं, अगर हम लोगों ने, हमने आपकी कोई बात एक्सेप्ट कर लिया, आपने मेरी कोई बात एक्सेप्ट कर लिया, तो कोर्ट जो है उससे बाहर निकल जाता है। कोर्ट ये मान लेता है कि अब उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे हम लोगों का जो डिस्प्यूट का एरिया है, जो हम लोगों के बीच का विवाद है, वो कम होता जा रहा है। अगर आपने मेरी कोई बात एडमिट कर ली, हमने कोई एडमिट कर लिया, तो ये कहाँ से गवान होता है, ऑर्डर 12 से। तो अब ये स्टेज है, ये स्टेज जो है सिक्स्थ स्टेज है, सिक्स्थ स्टेप है, मतलब सिक्स्थ स्टेप है ये। अब इसके बाद आता है स्टेप 7, अब इसके बाद सातवां स्टेप आता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद सातवां स्टेप आता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ऑर्डर 14। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज यानी अब कोर्ट जो है ये देखती है कि आपके बीच में और मेरे बीच में असल में विवाद है क्या, तो उस विवाद को वो फ्रेम करती है कि किस जगह पे ये दोनों आके टकरा रहे हैं। तो ये कहां से गवान होता है, ऑर्डर 14 से। अब इसके बाद आता है स्टेप 8, आठवां स्टेप आता है। अब आठवें स्टेप के अंदर कई चीजें हैं जो हम लोगों को समझने लायक हैं, जिसमें प्लेंटिफ जो है वो अपने एविडेंस देता है, जिसमें डिफेंडेंट जो है वो भी अपने एविडेंस देता है। यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की अगर जैसे कोई विटनेस है, कोई विटनेस है, हम लोगों ने इससे पहले जो सम्मन पढ़ा था, इश्यू ऑफ सम्मन, वो ऑर्डर 5 में था। अब ये ऑर्डर 16 जो है ये डील करता है इश्यू ऑफ सम्मन टू विटनेसेस, जो गवाह हैं उनको सम्मन भेजने के लिए। भाई अभी तो हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट दिया, आपने अपना डॉक्यूमेंट दिया, हम लोगों को एग्जामिन किया, इश्यू फ्रेम हो गया। अब हम अपने अपने पक्ष वालों को बुलाना चाहते हैं, हम अपने गवाह को बुलाना चाहते हैं, आप अपने गवाह को बुलाना चाहते हैं, तो ये कहाँ से गवर्न होता है, ऑर्डर 16 से। अब ये ऑर्डर 16 से गवर्न होता है। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे ऑर्डर 18 भी पिक्चर में आ जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे हियरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ऑर्डर 18। फिर इसके अंदर एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, जो हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ा, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। इसी स्टेज पे एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, जब क्योंकि जब गवाहों को बुलाया जा रहा है, गवाह आके गवाही देके चला थोड़ी ना जाएगा। जब वो गवाह को हमने ऑर्डर 16 के अंदर सम्मन किया, आए, वो अपियर हुए, तो उसके अंदर जो है जैसे प्लेंटिफ ने बुलाया, तो डिफेंडेंट जो है उनको क्रॉस एग्जामिन करेगा। तो ये स्टेज होती है एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन की। इसकी मैं पूरी फुल वीडियो ही बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप में। तो ये स्टेज कौन सी होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब विटनेस को ऑर्डर 16 में बुलाया गया, अब वो आए, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस चला, सुनवाई हुई। अब इसके अंदर जो है, अब जो विटनेस आए हैं उनका एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है इसी स्टेज में, ऑर्डर 18 के अंदर। तो ये हमारा हो गया हियरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एक स्टेज ही हो गई। तो ये हम लोगों की जो स्टेज थी, ये स्टेज 8 थी, यानी स्टेप 8 था। अब इसके बाद आता है स्टेप 9। अब स्टेप 9 के अंदर जो है, अब पार्टीज ने अपने इशू डाल दिए, उनके इशू फ्रेम हो गए, उनके तरफ से जो विटनेसेस आए, कोर्ट ने उनको सुन लिया, डॉक्यूमेंट्स के लिए, एडमिशन के लिए सारी बातें बोल दिया, ये भी सब हम लोगों ने देख लिया। अब इतना सारी चीज़ें होने के बाद, अब अगर कोई और मामला नहीं बचा रह गया, तो कोर्ट अब यहाँ पे क्या करती है, अब इसके बाद इसी के अंदर आर्ग्यूमेंट भी है, यानी इससे पहला का जो हमने स्टेप बताया है, इसी के अंदर आर्ग्यूमेंट भी होता है। भाई पूरा आर्ग्यूमेंट उसी के बाद चलता है, उसी स्टेज के अंदर होता है। अब जब आर्ग्यूमेंट भी हो गया, उन्होंने अपने अपने एविडेंस को भी प्रूफ कर दिया, तो अब कौन सी स्टेज आ जाती है, जजमेंट की स्टेज आ जाती है। जजमेंट की स्टेज, ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑर्डर 20 के अंदर जजमेंट के बारे में बताया गया। अब जजमेंट के बाद जो दसवीं स्टेज आती है, वो होती है प्रिपरेशन ऑफ डिक्री, डिक्री का प्रिपेयर होना। ये कहाँ दिया गया है, ये भी आपको ऑर्डर 20 के अंदर मिल जाएगा।
अब जब डिग्री फ्रेम हो जाती है उसके बाद आता है 11वीं स्टेज। 11वीं स्टेज क्या होती है कि भाई अब आप डिग्री आ गई है तो अब आप डिग्री के अगेंस्ट क्या करना चाहते हैं, अपील करने जाते हैं, रिवीजन के लिए जाना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, तो वो होती है 11वीं स्टेज। उसके बाद 12वीं स्टेज आती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑर्डर 21, यानी अब जो डिग्री पास हो गई है उस डिग्री का इन्फोर्समेंट, उस डिग्री का पालन करवाना। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है। एक बार कहिए तो हम इसको फिर से रिवाइज करवा देते हैं, अगर आप लोग जो लोग देख रहे हैं अगर आप कहिए तो क्या मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं आपको ब्रीफ में कि क्या क्या स्टेप था। सीआरपीसी में जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, लाइक वाइज सीपीसी में क्या होता है। सीपीसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कमीशन भेजा जाता है सीपीसी के अंदर, अगर किसी को एग्जामिन करना है वो नहीं हासिल हो सकता है तो कमीशन भेजा जाता है। कमीशन के साथ साथ इंट्रोगेटरीज भेजा जाता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के पास इंट्रोगेटरीज भेज सकती है, मतलब कुछ सवाल लिख के भेज सकती है कि जाके उनसे इस सवाल का जवाब लेके आइए। तो अब हम इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। तो स्टेप वन, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान, जिसमें आप वाद जो है न्यायालय में जाके दाखिल करते हैं। उससे जुड़े हुए जो सेक्शन है वो कौन कौन से हैं, आपका है सेक्शन 26 है, ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 7 है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान से जुड़ा हुआ। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, कंसिडरेशन ऑफ प्लान बाय कोर्ट। दूसरा स्टेप जो होता है जिसमें कोर्ट जो है आपके प्लान को कंसिडर करती है। कंसिडर करने का मतलब वो देखती है कि ये टाइम लिमिट की सीमा के अंदर है, इस पे रेस जुडिकाटा का कोई बार तो नहीं है, या इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखती है। उसके बाद वो एडमिट करती है या रिजेक्ट कर देती है। अगर उसने एडमिट कर दिया तो उसके बाद क्या करती है, वो इश्यू ऑफ समन्स ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 सेक्शन 27 जो बताया गया उसके अंदर समन इशू करती है, किसको, डिफेंडेंट को भेजती है। अब यहाँ पे डिफेंडेंट को जब भेजती है तो ये जो इशू ऑफ समन्स की स्टेज है ये थर्ड स्टेज है, यानी ये थर्ड स्टेप है जो कोर्ट लेती है। अब इसके बाद बहुत सी पॉसिबिलिटी, जैसे हमने आपको बताया कि डिफेंडेंट अपियर भी हो सकता है, नहीं भी अपियर हो सकता है, नहीं अपियर होता है तो एक्स पार्टे कार्रवाई की जा सकती है, उसके बाद हमने वीडियो में डिटेल में बताया है, और अगर अपियर होता है तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है 30 दिन, या कुछ केसेस में कोर्ट इसको एक्सटेंड करके 90 दिन कर सकती है। अगर रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं फाइल करता है तो ऑर्डर 8 और रूल 10 के अंदर बताया गया है कि इसके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो ये कौन सी स्टेज थी, ये फोर्थ स्टेज थी। अब इसके पहले जो है, अगर कोई अर्जेंट मामला है किसी तरीके का, हमने आपको बताया कि कोई आदमी किसी की प्राइवेट राइट में घुसा जा रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन करे दे रहा है, कोई संपत्ति बेच के भागने के चक्कर में है, तो इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स वहां पे शुरू हो जाती है। यानी ये इसके रिटर्न स्टेटमेंट लगाने से पहले, डिफेंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट लगाने से पहले एक इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स के लिए अप्लाई किया जाता है कि भैया वो बेच के भाग जाएगा या वो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वहाँ पे ऑर्डर 38, ऑर्डर 39, ऑर्डर 40 ये सब पिक्चर में आ जाते हैं प्रोविजन। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स की जरूरत है तो फिर मामला आगे बढ़ जाता है। तो अब जब डिफेंडेंट वहाँ पे अपना रिटर्न स्टेटमेंट जवाब लगाता है, अब जब जवाब लगाता है तो प्लेंटिव भी उसका जवाब देता है, तो जब ये लोग दोनों जवाब देते हैं तो उसके बाद एक स्टेज आती है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, मतलब वो कौन कौन से कागजात हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वादी और प्रतिवादी, प्लेंटिव और डिफेंडेंट जो है डिपेंड है, जिनके ऊपर अपने केस को पूरा बेस कर रहे हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में। तो ये कौन सा स्टेज है, फिफ्थ स्टेज है, यानी स्टेप 5, ये पांचवा स्टेप है जो कोर्ट लेता है। उसके बाद छठा स्टेप आता है, यानी छठी स्टेज आती है। छठी स्टेज क्या होती है, छठी स्टेज होती है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट। कोर्ट इनको एग्जामिन करता है ये असर्टेन करने के लिए कि क्या ये जो एक दूसरे के फैक्ट्स जो हैं, जो लिखे गए हैं, क्या ये इसको एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं। कोर्ट इसी स्टेज के बाद चाहे तो पार्टीज को जो है भेज देता है, मतलब कोर्ट इसी स्टेज के बाद भेजता है आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन और मेडिएशन के लिए, जो सेक्शन 89 सीपीसी के अंदर बताया गया है। अगर वहां से भी काम नहीं बनता है तो फिर आगे बढ़ जाता है ये स्टेप। अब आगे क्या बढ़ता है कि कोर्ट जो है पार्टीज को इसके अंदर एग्जामिन करता है, प्लस इसी स्टेज को बोला जाता है फर्स्ट हियरिंग, इसको फर्स्ट हियरिंग ही बोला जाता है। फिर इसके बाद ऑर्डर 11 पिक्चर में आता है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ऑर्डर 12 आता है। अब इनके अंदर कुछ छोटी छोटी प्रोसीडिंग्स ऐसी होती है कि सामने वाली पार्टी से हम कहते हैं कि तुम कोई कागजात के अंदर, मतलब हमारी प्लेंट में जो बात लिखी हुई है इसको एडमिट करो, या फला कागजात को एडमिट करो, इसके लिए उसको नोटिस भेजते हैं कि 7 दिन में इसका जवाब दे, या उसके पास इंट्रोगेटरीज भेज सकते हैं। इंट्रोगेटरीज का मतलब कि कुछ सवाल हम लिखते हैं, लिख के अगेंस्ट पार्टी से हम पूछवाते हैं कि इसका जवाब दें, इन चीज़ों का जवाब दें, उनको इंटरोगेटरीज बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। फिर ये चीज़ जब हो जाती है तो इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ता है। अब इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, स्टेप 7।
सातवीं स्टेज, सातवीं स्टेज क्या होती है, सातवां स्टेप क्या कोड लेता है, वो होता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ऑर्डर 14, जिसमें वो इश्यू फ्रेम करता है कि आसिल में पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर हम और आप पार्टी हैं तो हमारे बीच में विवाद क्या है, उस विवाद को लिखता है वो। फिर उसके बाद आता है आठवां स्टेज यानी स्टेप 8। स्टेप 8 के अंदर क्या होता है, फिर स्टेप 8 के अंदर बहुत सारी चीज़ होती हैं कि जो अब विटनेस है, जो प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है, ये अपने गवाहों को बुलवाते हैं, विटनेसेस को, तो इसमें कोर्ट जो उनको भेजता है, ये कहाँ से गवन होता है, ऑर्डर 16 से ये चीज़ गवन होती है। अब जब उनके विटनेसेस आ जाएंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन इन चीफ भी होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा दोनों पार्टीज के साथ, प्लेंटिफ के डिफेंडेंट के। अब जब ये चीज़ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, हियरिंग होती है, तो उसके बाद यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पिक्चर में आता है, ऑर्डर 18 इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस स्टेज के अंदर हमने ऑर्डर 18 भी जोड़ दिया है। अब इसके बाद आती है नवी स्टेज जिसके अंदर जजमेंट होता है, ऑर्डर 20 से जो गवर्न होता है। फिर उसके बाद दसवीं स्टेज प्रिपरेशन ऑफ डिग्री, ये भी ऑर्डर 20 से। फिर उसके बाद स्टेप 11 जिसके अंदर अपील रिव्यू रिवीजन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए जाइए। उसके बाद आता है बारहवीं स्टेज जिसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री है, ये पूरा कार्रवाई है। अब बहुत सारे आप सोचेंगे कि ऑर्डर के बारे में हमने नहीं बताया सीपीसी के अंदर, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं कि उससे जुड़ा हुआ है। अब जैसे सेक्शन 80 के अंदर बताया गया है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट मुकदमा करना है तो उनके अगेंस्ट नोटिस भेजो, ऑर्डर 33 के अंदर बताया है इंडिजेंट पर्सन, अगर आप गरीब इंसान हैं न्यायालय के अंदर वाद दाखिल करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो हम लोगों ने एक बेसिक स्टेप समझा है कि जिस तरीके से कोर्ट आम तौर पे कार्रवाई करता है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है, बहुत सारे ऑर्डर है, जैसे ऑर्डर 22, ऑर्डर 33 की पार्टीज जो है अगर सूट के दौरान में मर जाती है, उसकी शादी हो जाती है, या मान लीजिए कि वो सूट को विड्रॉल कर देती है, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक अलग चीज़ है जो हम लोगों ने पढ़ा है। ये बेसिक तरीका है कि इस तरीके से काम करता है कोर्ट, इन स्टेप में वो आगे बढ़ता है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं इसको बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, तो इसलिए मैं रात के 2 बजे जो है इस वीडियो को बना रहा था। अब सहरी का टाइम हो रहा है, मैं सहरी के लिए निकलता हूँ। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे दूसरे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो मुझे जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव आता हूँ, लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ। यू आर द बेस्ट भाई सुधांशु कथुरिया भाई, थैंक यू वेरी मच। और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है najeebkhan11। और दूसरी चीज़ कि अगर आप घर में बैठ के लॉ पढ़ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके आसपास कोई कोचिंग नहीं है या आप कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, लॉ पढ़ने में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक नहीं मिलता है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं कॉल मी फोर ऐप के थ्रू। कॉल मी फोर ऐप पे मेरी आईडी है najeebkhan@cm4, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या अगर आपने लॉ में अभी एडमिशन लिया है, बहुत अच्छा लगा सुन के सुधांशु, और अगर आपने लॉ में एडमिशन लिया है अभी या लेने वाले हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस स्टेप में आगे बढ़ें ताकि आप जुडिशियल सर्विसेज में अपियर हो सकें, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। या आप घर में बैठ के जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि किस स्टेप में आपको आगे बढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कौन से मटीरियल से पढ़ना है, तो भी आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं कॉल मी फोर ऐप के थ्रू। कॉल मी फोर ऐप पर मेरी आईडी है najeebkhan@cm4, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। See you next time. Peace.